धर्मशाला में 7 और 8 नवंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। इन्वेस्टर्स मीट के चलते धर्मशाला शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस जवानों का पहरा। धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट में 16 देशों के राजदूतों सहित देश विदेश के सैकड़ों उद्योगपति व निवेशक होंगे शामिल। धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने के लिए निवेशकों में भारी उत्साह। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, राज्य में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सरकार का बेहद सराहनीय प्रयास, यह आयोजन हिमाचल जैसे राज्यों के लिए होगा एक बड़ा एक्सपोजर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में जीत पर धर्मशाला में जन आभार रैली को किया संबोधित, कहा इन्वेस्टर्स मीट के बाद भी जारी रहेंगे निवेश लाने के प्रयास। सिरमौर जिले का अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला 7 नवंबर से होगा शुरू। 12 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी। भाजपा ने धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट को प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। पार्टी महासचिव राम सिंह ने कहा, प्रदेश में पहली बार होने जा रहे इस आयोजन से तेजी से प्रगति करेगा हिमाचल। रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व अश्व प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र, लवी में भाग लेने के लिए देश विदेश से पहुंच रहे व्यापारी। ऊना जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ न होने से मरीज परेशान, निजी अस्पतालों में जाने को हुए मजबूर। कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर नाहन व चंबा में किए प्रदर्शन, चंबा में प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरा। प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात का पूर्वानुमान।